के संविधान चौक में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए और शहर अध्यक्ष व विधायक प्रवीण दटके के नेतृत्व में भ्रष्ट सरकार के लिए भीख मांगो आंदोलन किया गया। भाजपा के आंदोलन के जवाब में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी संविधान चौक पर आंदोलन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य और शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लॉकडाउन से मिली राहत में सोमवार से शराब दुकानें भी दोपहर 4 बजे तक खुली रहेगी, जबकि रात 10 बजे तक केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। संडे को फिर 32 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसमें सिटी के 18 शामिल है, 10 जिले के ग्रामीण इलाकों के हैं और 4 जिले के बाहर के हैं। रविवार को 3614 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें मिलाकर कुल पॉजिटिव 193,080 हो गए। इनमें 153,823 सिटी के और 38,257 ग्रामीण भागों के हैं। बढ़ते संकट के साथ ही रिकवरी रेट यानी स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत भी कम हो गया है। एक समय यह 96% तक पहुंच चुका था और डॉक्टरों में उत्साह था, लेकिन अब यह 82.41% तक गिर चुका है। बीवापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पामी ग्राम के समाज भवन में हो रहे शादी समारोह में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हादसा तब हुआ जब लड़की की विदाई हो रही थी। लॉकडाउन के बावजूद रविवार को आयोजित एमपीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर कड़े प्रबंध किए गए थे। पूर्व मुंबई सीपी परमबीर सिंह मामले को लेकर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस परिषद में कहा कि परमबीर अकेले नहीं, जिन्होंने सीएम से गृह मंत्री की शिकायत की। इसके पहले डीजी पद पर रहते हुए सुबोध जायसवाल ने भी शिकायत की थी। आरोली थाना अंतर्गत शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दो भाइयों ने मिलकर एक युवक पर हमला बोल दिया और उसके सिर पर ईंट से वार कर उसे घायल कर दिया।